लेकिन दोस्तों अंडा बड़ा हुए तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक बाट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब हेडी से होंगे। तो गाइज आज हमारे सेटअप में एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ आ गई है यार। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाजिम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए फिर दोस्तों, अभी बहुत सख्त किस्म की हवा आई है और ये देखें हमारी फीमेल कहाँ पर उड़ रही है आसमान में, बहुत बड़ा राउंड लगा रही है। अल्लाह करे वापस भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों पहले तो जब ये उड़ती थी तो मेल इसका जो है ना ऊपर बिल्डिंग पे बैठा होता था। ये रही है दोस्तों माशाल्लाह जो कलबाजियाँ मार रही है यार हवा में, इतनी प्यारी लग रही है ना कसम से। देखने ये 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 कहाँ पे गई, वो नहीं पीछे चली गई। ये एक और दो पिजन उड़ाए हैं हमारे पड़ोसी, इन्होंने भी ओहो इनके बड़े प्यारे पिजन से यार, ये घर के पट्टे हैं इनके। और हमारी फीमेल ये आ गई अभी, ये जा रही है। बस यार बैड न्यूज़ इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बैड न्यूज़ ये है कि इसका जो मेल है ना वो उड़ गए यार। इतना प्यारा मेल था वो अब नहीं रहा इस हमारे सेटअप में, अभी इसके लिए हमें एक नया नर लाना पड़ेगा। तो वो हम इंशाल्लाह आज या कल तक ले आएंगे, और बल्कि आज मैं कोशिश करता हूँ बस टाइम मिले तो ले आऊँगा। तो ये देखें ये इनको साथ उड़ने लग गई, ये आ गई यहाँ से फिर उड़ गई। ओ माशाल्लाह से दोस्तों डब आ गए बेटी, ये देखे यार डब ही पैर लगा ले यार कसम से, वो भी उड़ गई है यार। हमारे सेटअप में कुछ चीज़ नहीं बचती, जो चीज़ आती है वही उड़ जाती है। दोस्तों आज हवा तो है लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है, हवा जो है ना ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी पिजन लैंड ही नहीं कर पा रही। वो देखें अभी भी उड़ रही है, वो पीछे गई है, अभी इतनी तेज़ हवा आ रही है। बाहर फेंक देता हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि हमारी फीमेल वापस आएगी, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। चलो तुम भी बाहर जाओ, इस पट्टे को भी हम बाहर भेज देते हैं, थोड़ा थोड़ा तो ये भी उड़ते हैं यार। वो हो गया, इसको भी बाहर भेज देते हैं, सारी फीमेल्स को बाहर भेजते हैं हम। शायद ये इनकी सहेली है ना, ये दोनों ये बेचान जाएगी। ये आ गई हो, ये आ गई है, ये मुझे लगता है डायरेक्ट लैंड करने के जो है ना मूड में। हाँ, हम हट जाते हैं थोड़ा सा आगे से, हट जाते हैं, ये खुद ही की जगह पे लैंड करेगी अब। ये आ गई ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे कितने मज़े कैसे टप टप करके लैंड किए यार। ये तो कुलबाजी मारती है, मुझे आज पता लगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। देखे दोस्तों कैसे पीछे पीछे हो रहे हैं हमारा कलरफुल पिजन, हमारी ब्लैक मारती है। दोस्तों ये दोनों मेल इतनी मस्ती कर रहे हैं हमारी ब्लैक वाली फीमेल के साथ। यार वाइट वाले तुम तो जाओ यार, तुम्हारी तो फीमेल अंडों पे बैठी है अंदर। दोस्तों ये तो जो है ना बड़ा राजी है इसके साथ जो है ना जोड़ा लगाने में, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि यार ये नस्ल ही नहीं है इतना ज़्यादा, इसकी जो है ना नस्ल बिल्कुल गोलट है, बदनसा समझ लें आप। और इंशाल्लाह इसके लिए हम कलसरे मेल लाएंगे जो कि हमारे अंदर बैठे। कलसरे से मुझे याद आया कि दोस्तों हमारी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे कलसरे ने, आपको दिखाता हूँ मैं अंदर ही आकर, छोड़ो यार ये देखो आप, देखना सिर्फ ये देखे दोस्तों अंडा दे दिए दोस्तों हमारे कलसरे जोड़े थे। ओ माशाल्लाह मारना नहीं, अच्छा बस बाकी है रे, नहीं वो मार रहा नहीं है अभी, मुझे लगता है बच्चे नहीं निकले इसलिए नहीं मार रहा। लेकिन दोस्तों अंडा बड़ा हुआ दोस्तों यार, ये अलग अंडे में बैठी है, ये भी अंडे में बैठी है, जिंदाबाद यार। इनके बच्चे जो है ना बड़े नस्ली होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े नस्ली हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा यार। ये बस बच्चे निकल आए इनके यार, दोनों फीमेल जो है ना इनकी बाहर घूम रही हैं। एक कल फुल पिजन जो है ना तंग कर रहे हैं, इसको हम साइड पर करते हैं कुछ दिन के लिए। दोस्तों आपको भी खुशी हुई होगी हमारे कल सरे ने अंडा दिए, क्योंकि यार काफ़ी अरसे के बाद एक ये खुशखबरी थी, एक ये खुशखबरी थी, एक रैबिट्स की थी। बाकी तो हमारे सेटअप में टोटल बैड न्यूज़ ही चल रही थी पिछला ये महीना से अगले, पिछला भी महीना, ये दोनों महीना अभी जो 11-12 दिन हुए ना इस महीने के और इससे जो पिछला महीना था, सारा बेड़ा गर्क था हमारे सेटअप का। अभी जाके तीन गुड न्यूज़ आई हैं माशाल्लाह से, इन 3 से 4 दिनों में हमारे पास ऊपर नीचे गुड न्यूज़ आई हैं दोस्तों। ये देखे ये अंडा बड़ा हुआ है, अभी इसको हम टच नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह से इसने बिल्कुल भी नेस्टिंग नहीं की यार, थोड़ी सी नेस्टिंग की, इसको देखें कितनी नेस्टिंग की हुई है, इन्होंने पूरा घोंसला बनाया है वो चिड़ियों की तरह। इसने तो बस मुझे लगता है अंडा देने वाली बात की है, बस ख़त्म की है बस, ये भी हमारा नर बैठे हुए। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का नर हम अपनी ब्लैक वाली फीमेल के लिए लाते हैं जिसका मेल उड़ गया है। और ये देखें कितना प्यारा है यार, इसका जो मुंह और दम इसकी जो है ना बहुत प्यारी लगती है मुझे, ये जब उड़ेगा ना तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। अभी तो इसको मैंने इसके पर निकाले हुए हैं, थोड़े थोड़े पर आ रहे हैं, लेकिन जब इसके पर आ जाएंगे मैं फीमेल के पर काट लूँगा, मेल के पर छोड़ दूंगा। दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारा फेसबुक का पेज है पाक बर्ड्स, तो आपसे लाजमी उस पेज को फॉलो करने और उसकी वीडियोज़ को भी लाइक करें और देखें उस चैनल पर बड़े बड़े मज़े की वीडियोज़ में डाल रहा हूँ आजकल। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह हमारे पिजन पूरे हो गए हैं, लेकिन जो एक उड़ गया अब वो उड़ गया यार, अब शायद उसके नसीब में यही था।
और बाकी के हम आज अपने बर्ड्स को बाहर निकाल देते हैं। देखें सारे मुर्गे शुर्गियाँ, मोर हमारा अंदर है, गुना फाउल, और ये रहा जी हमारा रैबिट। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में जो है ना इनको अलहदा कर दिया था, अब ये प्रॉपर अलहदा ही होंगे इंशाल्लाह 15-20 बल्कि 3 हफ्तों के लिए। यस 21 डेज, ठीक है दोस्तों इंशाल्लाह 3 हफ्ते ये अलहदे होंगे। और देखें अभी से अपने मेल को याद करिए यार, अभी मैं थोड़ा सा इसके लिए ताज़ा घास ला कर डालता हूँ, ये खाएगी अपने बच्चों को खिलाएगी। चलो 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 चलो, ये देखें सारा पिंजरा यहाँ से टूट गया यार, ये शायद जाली रखी है ना इसके वजन की वजह से। एक ये वाला सेटअप बहुत गंदा है कसम से, और बाकी ये वाला सेटअप अभी ठीक हो गया, देखें कितना फर्श बन गया है घर का जैसे होता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं चूना लगाने वाला हूँ, मिट्टी का हमारा जो है ना प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है दोस्तों, पहाड़ में आने का दिल भी नहीं करता ना। ये देखें मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, बस इतनी हिम्मत ही नहीं है कि यहाँ पे हम मिट्टी लगाएं, सिर्फ हम जो है ना अभी प्लान जो मना है वो चूने के, चूना इंशाल्लाह मैं लगा लूँगा और इस पूरे दीवारों की प्रोवाइड कर देंगे हम सब जगह को। चलो चलो चलो, वो बाहर भाग गया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, कभी मुर्गे आ जाते हैं, कभी ये जो है ना खरगोश आ जाते हैं इस पिंजरे में। अभी जो है ना ये बाहर ही घूम रहे हैं यार, कितनी मस्ती आई हुई है इसको, वो देखें छोड़ ही नहीं है ब्लैक वाली फीमेल को। डायमंड बेबी वो जा रहे हैं दोस्तों, बस जहाँ पे जो बतखें आगे ये उनके पीछे पीछे, इसका ये सीन होता है। देखें अब ये पिंजरे में छोड़ने के लायक है, अभी ये देखें सारी मिट्टी इसने खोद के बाहर निकाल दी है। ओहो ये देखें कितना बड़ा सुराख हो गया इसका। वैसे दोस्तों एक बात है, जब से हमने इस छत के ऊपर मिट्टी डाली है ना, अब हमारे सेटअप में पानी नहीं आता। वो देखें वहाँ से थोड़ा थोड़ा वो जो है ना पानी आया हुआ है, लेकिन अब हमारा जो है ना पहले यहाँ से पानी आता था, यहाँ से पानी मतलब हर जगह से पानी आता था, अब वो वाला सीन नहीं है। अभी जो है ना माशाल्लाह सिर्फ कोने से बस थोड़ा सा वो वहाँ से अगर आ जाए तो आ जाए, वरना पूरे सेटअप में पानी नहीं होता, सारा सूखा होता है बारिश के दिन भी। ये अच्छी बात होगी क्योंकि बारिशों में बड़ी प्रॉब्लम होती, सारा पानी पिंजरों में जमा होता था, यहाँ पे लग कोने में तालाब बना होता था, यहाँ पे लग तालाब होता, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी डाउन है ना इधर के मुकाबले में, ये पूरी जगह ऐसे डाउन है, तो यहाँ पे इतना तालाब बना होता था और मेन हमारे मुर्गे भी सारे यहीं पर होते थे। बाहर जा ही नहीं है क्योंकि मैंने इनकी एक फीमेल को अंदर देखे बंद किए हुए, अभी इसको भी बाहर निकालते हैं, ये फिर तब बाहर जाएंगी। वो देखें वो रैबिट से साथ घुसी हुई हैं, अभी ये जो है ना प्रॉब्लम करेंगी। चलो 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 चलो, वो देखो रैबिट के साथ लड़ रही है वो, तो रैबिट नहीं छोड़ता दोस्तों किसी को भी, रैबिट मारते हैं वो देखें, लेकिन फिर भी हम जो है ना पहले ही सेफ्टी के लिए जो है ना इसको कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कोई बच्चे को डैमेज कर दे हमारी जो है ना ये मुर्गी और बच्चा ज़ाया हो जाएगा, ये बड़ा मसला है फिर। ओह इसको क्या हो गया, ओ ला लेट ही हुई है ना यार, एक तो अजीब अजीब तरीके से लेटती हैं। दोस्तों हमने अपने ब्लैक वाले कबूतर के देखें पर खोल दिए, ये दिखाएं, ये इसलिए खोले हैं ना जो हमारी फीमेल है वो बैठ गई है, तो ये कभी ऊपर जाती है कभी उड़ती है इधर उधर, तो इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता उड़ाएंगे। वो देखें अभी उड़े दूसरा पर, अभी हम नहीं खोलते इंशाल्लाह, उसको भी खोल लेंगे जल्दी जब ये थोड़ा सहल जाएगा। दोस्तों माशाल्लाह से हमारी फीमेल यहाँ पर आके बैठ चुकी है, वैसे ये बात है कि अभी तक बाकी नहीं है यार ये, और इसका जोड़ा मुझे लगता है हमारे जो कलरफुल पिजन है इसके साथ लग गए दोस्तों, क्योंकि इतना मतलब आगे पीछे होते हैं इसके ये कबूतर ना, दोनों साथ ही होते हैं। अभी इसको नीचे में बिठाता हूँ, ये आ गई है जी, अभी देखते हैं इसकी बस्तियाँ चेक करते हैं, आप देखना किस तरह हमारा कलरफुल पिजन देखें किस तरह बाहर आएगा, वो देखें और आ गए, ये बस इसके सीन है। वो ब्लैक वाला भी मस्तियाँ कर रहे हैं यार, एक फीमेल क्या लाते हुए ये सारे कबूतर इसके पीछे पड़ गए हैं यार। इंशाल्लाह मैं आज ही इसके लिए अच्छा सा गोल्डन सा और पैरी मतलब लाल आंख वाले जो नर होते हैं ना, बड़े बड़े छातियों वाले जो होते हैं मज़ा करते हैं जो, वो वाला नर लाएंगे और इसके साथ छोड़ के दोस्तों बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादातर गोल्डन कबूतर जो होते हैं वो उड़ने वाले होते हैं ना, तो गोल्डन कबूतर ज़्यादा उड़ने वाले होते हैं, ये भी उड़ने वाली है, तो इंशाल्लाह दोनों जब साथ उड़ेंगे तो कितना मज़ा करेंगे यार फिर। वैसे ये ब्लैक वाली कौन सी नस्ल के है, ये ब्लैक जीरे हैं, काले जीरे, काले जीरे हैं। ये तो मुझे जब मैं ले रहा था दुकान वाले से वो कह रहा था ये नीलम कबूतर के क्रॉस से आया हुआ है, ये वाला ब्लैक वाला ये उसके क्रॉस से आया होगा। हाँ? आगे काला नीला भी क्या नाम है, काला जीरा बांध रहे, काला जीरा बांध रहे दोस्तों, और ये उड़ता भी बहुत ज्यादा है यार, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, और इसकी आंख देखे माशाल्लाह रेड आंख है इसकी यार, पर भी माशाल्लाह पूरे आए हुए हैं ना, अभी फुल नहीं है, अभी फुल नहीं है। अच्छा अभी मतलब छोटे हैं जी, मतलब जब फुल आएंगे फिर कितना उड़ेगी यार, फिर तो मुझे लगता है आसमानों तक जाएगी। आज भी इससे बहुत बड़ा राउंड लगाया है, अभी ये बहुत ऊपर तक गई थी क्योंकि आज हवा बहुत ज़्यादा थी और इसलिए बहुत ऊपर गई है। ये देखें दोस्तों न्यू पर आ रहे हैं इसके, ये देखें अभी और भी बड़े होंगे। हाँ जी हाँ, ये
ये रेड नजर आ रहा है आपको ना कलर, अब इसके परों में मतलब पूरे फूल नहीं बड़े हुए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।